हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सभी साची ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 1 मीटर। कटिंग हमें फ्रंट पार्ट की करनी है तो पेपर पर कट करेंगे। ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, 1 इंच मार्जिन का प्रेस करके 15 इंच पर मार्क करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें सेंटर पर अपर पार्ट को स्टिच करने के लिए मार्जिन लेना है। ब्लाउज तो बैक ओपन पर ही रहेगा, पर यहाँ पर भी हमें मार्जिन लेना है। और कटिंग के बाद हमें बेल्ट से इस मार्जिन को निकाल देना है। सिर्फ अपर पार्ट पर ही मार्जिन रखना है। शोल्डर के लिए मार्किंग लेनी है 5.5 इंच पर। शोल्डर है 14 इंच, उसका हाफ 7 7 में से हमें 1.5 इंच माइनस करते हुए 5.5 इंच पर मार्क करना है। लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है 5.75 इंच पर। लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। सेंटर पर जो मार्जिन है उसे छोड़ते हुए हमें 9 इंच पर मार्क करना है। 36 का फोर्थ पार्ट 9 इंच। 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट है 32, 32 का फोर्थ पार्ट 8 इंच। और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 1 इंच पर आर्म होल का शेप देना है और फिटिंग लाइन को भी ड्रॉ कर लेना है। ऊपर से टेक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करनी है 10.5 इंच पर। और यहाँ से हमें 3.5 इंच मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। फिटिंग लाइन से अंदर की साइड पर 1.75 इंच पर मार्क करते हुए इस पॉइंट को टक से मिलाना है। और इसी पॉइंट को हमें सेंटर से क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हुए मिलाना है। नीचे की साइड पर हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है, पर आपको यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। और तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लिया है, उसे मैं बाद में कम कर लूँगी। और इस तरीके से शेप देना है। 2.5 इंच पर मार्क करना है। देखिए 40 या 42 साइज में हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। मीडियम साइज़ में हमें 2 इंच पर ही मार्क करना है नीचे की साइड पर। नेक की विड्थ ली है 2.5 इंच। लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 8 इंच पर। यहाँ पर भी हमें 2.5 इंच पर मार्क करते हुए इस तरीके से कर्व वी शेप ड्रॉ कर लेना है। टक्स पॉइंट पर भी राउंड देंगे, इस तरीके से राउंड शेप देना है। और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें नेक की कटिंग करनी है। उसके बाद हमें साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेना है। एक्स्ट्रा पेपर कट करेंगे। आर्म होल की साइड पर हमें अंदर की मार्किंग पर कटिंग करनी है। बेल्ट को कट करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ से कटिंग करनी है। तो जो ये अपर पार्ट है ये कंप्लीट है। नीचे के पार्ट को हमें फिर से कट करना है। स्टाफ पेपर लेना है, उसे हमें क्रॉस में रखना है पार्ट को और इसे हमें पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद नीचे की साइड पर जो राउंड शेप है उसे एज इट इज मार्किंग करनी है और इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिलाना है क्रॉस में। और जहाँ पर हमने यहाँ पर सेंटर मार्किंग करी है वहाँ से नीचे की साइड पर 1 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से 3.5 इंच पर। और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए अब हमें इसे कट करना है। तो इसी पार्ट को हमें देखिए मेन पार्ट पर अटैच करना है। इस तरीके से अटैच होगा ये पार्ट। और बेल्ट से हमें मार्जिन को निकाल देना है। जो सेंटर पर हाफ इंच मार्जिन लिया है उसे निकाल कर नीचे की साइड और साइड से एज इट इज मार्किंग करनी है। ऊपर की साइड से हमें 0.3 इंच का मार्जिन लेना है। और इस पार्ट पर हमें तीनों ही साइड से मार्किंग लेनी है और उसके बाद एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर लेनी है। अपर पार्ट पर भी हमने मार्जिन लिया है 0.3 इंच का। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखना है। सेंटर पर आई और हुक की पट्टी का मार्जिन लेना है। ऊपर से शोल्डर की मार्किंग करनी है 5.5 इंच पर। एक मार्किंग और लेनी है 5.5 इंच पर। आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे 5.75 इंच पर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, फोर्थ पार्ट 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन।
वेस्ट का मेजरमेंट लेना है, वेस्ट है 32, फोर्थ पार्ट 8 इंच, 1 इंच बैक टक्स, 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का। साइड पर लाइन ड्रो कर लेनी है, 1 इंच पर आर्म होल का शेप देना है। सेंटर से 4.5 इंच पर मार्क करना है और लेंथ भी उतनी ही लेनी है 4.5 इंच। सेंटर लाइन से हाफ हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड। बैक टक्स की मार्किंग करनी है, वेस्ट साइड पर हाफ इंच पर मार्क करना है और इस मार्किंग को हमें टक्स से मिलाना है। और नेक की विड्थ लेनी है 2.5 इंच। लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 11 इंच पर। नीचे की साइड पर विड्थ लेनी है 3 इंच। दोनों ही साइड से लाइन ड्रॉ करेंगे और राउंड नेक का शेप देना है। हाफ इंच नेक को राउंड करना है, हाफ इंच से कम ही 0.25 इंच। बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए शोल्डर को नेक को डाउन कर लेंगे। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है तो आर्म होल को मेजर करना है। आर्म होल आ रहा है 9.5 इंच। फैब्रिक को फोर फोल्ड करना है 9.5 इंच पर। तो यहाँ पर जहाँ पर फैब्रिक नहीं है वहाँ पर भी मार्क कर लेना है, ये बाद में कट करके निकल ही जाएगा। और यहाँ से हमें स्लीव की लेंथ लेनी है। स्लीव की लेंथ है 7 इंच, 1 इंच मार्जिन का प्लेस करके 8 इंच पर मार्क करना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से हमें 3 इंच डाउन मार्क करना है और स्लीव का शेप देना है। स्लीव राउंड लेना है 6 इंच पर, 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। इस मार्किंग को आर्म होल से मिलाना है और स्लीव को कट कर लेना है। ओपन करेंगे और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करके कट कर लेंगे। अब हमें फैब्रिक को फोर फोल्ड करना है और जो बॉर्डर साइड है उस पर रखना है स्लीव राउंड को और इस तरीके से कटिंग कर लेनी है स्लीव की। बाकी पार्ट की कटिंग हमें 2 फोल्ड कपड़े में करनी है। बेल्ट और बैक पार्ट को हमें फोल्ड साइड पर रखते हुए कट करना है। तो स्लीव पर ज्वाइंट आएगा तो ये मैंने ज्वाइंट कट कर लिया है, इसे हम स्टिच करेंगे। ज्वाइंट लगाने के बाद स्लीव को फिर से कट कर लेना है। कटिंग हो गई है, अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो फोल्डेड पेस्टिंग पेपर लेना है, फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे अपर पार्ट को और इसके ऊपर हमें नेक की विड्थ की मार्किंग कर लेनी है 2.5 इंच पर और इस तरीके से रखना है और नेक की एज इट इज मार्किंग लेनी है। और उसके बाद हमें साइड से भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है। तो ये मार्किंग हमें नीचे की साइड तक करनी है। देखिए इस तरीके से 1 इंच पर नीचे तक मार्क कर लेंगे। अंदर की मार्किंग पर भी कटिंग करनी है, सेंटर से भी कट कर लेना है। अब हमें इसे लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट करना है और सेंटर से पार्ट को कट कर लेना है। तो जो हमने फ्रंट पार्ट पर मार्जिन लिया था इसी पार्ट को स्टिच करने के लिए अब हमें मेन पार्ट को राइट साइड पर रखना है और 1 फुट के गैप से पूरे ही नेक पर स्टिच करना है। नीचे तक स्टिच करेंगे और अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। पूरे ही नेक पर कट लगाएंगे, ओपन करेंगे और एक स्टिच यहाँ से भी कर लेनी है लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर। अब हमें इसे पलट लेना है, रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और यहाँ पर 1 फुट के गैप से स्टिच लगानी है। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे, साइड से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कट कर लेना है। नेक पर लेस लगानी है तो लेस के एक कॉर्नर पर स्टिच करेंगे, उसके बाद दूसरी साइड भी स्टिच कर लेना है। लेस के दूसरे साइड भी डबल स्टिच करना है लेस के ऊपर। दोनों ही पार्ट कंप्लीट कर लिया है और अब हमें साइड से स्टिच लगा लेनी है। अगर आप यहाँ पर पैड लगाना चाहते हैं तो ये स्टिच ना लगाएं, दोनों ही पार्ट को अलग अलग स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर कप अटैच कर लेना है।
यहाँ पर हमें पैड नहीं लगाना है, तो इसलिए मैंने दोनों ही पार्ट को अलग अलग तो स्टिच करूँगी, पर यहाँ पर पैड नहीं लगाना है। सबसे पहले हमें देखिए अपर पार्ट को राइट साइड पर रखना है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को नीचे की साइड पर अलग अलग स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को स्टिच करना है, हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। मेन फैब्रिक को स्टिच कर लिया, इसी तरीके से नीचे की साइड पर देखिए रखना है ऐसे, और पलट कर जो स्टिच है उसी के ऊपर से स्टिच लगानी है। जब हम इस तरीके से स्टिच लगाते हैं तो नीचे की साइड पर जो मार्जिन है वो इक्वल में कवर होगा, दोनों ही पार्ट बराबर आएगा। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही स्टिच कर लिया है। तो अगर आपको कप लगाना है तो इसी पार्ट को अलग अलग स्टिच कर लें, लाइनिंग पर लाइनिंग पार्ट को और मेन फैब्रिक पर मेन पार्ट को। तो यहाँ पर हमें कप नहीं लगाना था तो इसलिए मैंने इस तरीके से स्टिच किया है। साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। दोनों ही पार्ट इसी तरीके से स्टिच करेंगे, और अब हमें सेंटर पर इस पार्ट को अटैच करना है। तो ये मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक लिया है, ऊपर की साइड से स्टिच करेंगे, और आप चाहे तो ओपन करके ही यहाँ पर सेंटर पर स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, और अब हमें इसे नीचे की साइड पर रखते हुए दोनों ही पार्ट को स्टिच करना है। इसी के ऊपर रखना है दूसरे पार्ट को, और यहाँ पर भी हमें स्टिच लगा लेनी है। और नीचे की साइड पर जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट कर लेना है। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है, तो बेल्ट को हमें राइट साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए हाफ इंच के मार्जिन से यहाँ पर स्टिच लगानी है। जितना हमने मार्जिन लिया है उतना ही स्टिच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है, जो मेन फैब्रिक पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। पूरे ही बेल्ट पर कट लगाना है, और इसे हमें पलट कर प्रेस लगा लेनी है, उसके बाद स्टिच करना है 1 फुट के गैप से। टर्न करने के बाद यहाँ पर प्रेस करके उसके बाद ही स्टिच लगानी है, कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेना है। बाकी साइड से भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक है से तो यहाँ पर हमें कट कर लेना है, और अब हमें सेंटर से पार्ट को स्टिच करना है। नीचे की साइड पर जो मार्जिन है हाफ इंच का मार्जिन ही दबाना है, जितना हमने कटिंग में लिया था उतना ही, और सेंटर से हमें पार्ट को अटैच करना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी बेल्ट को स्टिच करेंगे। अब हमें वेस्ट पर पट्टी लगानी है, स्ट्रेट पट्टी लेनी है, पट्टी की विड्थ है 1.5 इंच, 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। पट्टी को ओपन करना है और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करनी है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है, और फोल्ड करते हुए एक स्टिच और लगानी है पट्टी के ऊपर। तो फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है, बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। वेस्टिंग पेपर लेना है, सबसे पहले हमें नेक की कटिंग करनी है लाइनिंग फैब्रिक पर। नेक की मार्किंग कर रखी है उसी के ऊपर से कट करेंगे। और फोल्डेड वेस्टिंग पेपर लेना है, नेक का कट जो है उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग लेनी है। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेंगे, कटिंग करेंगे। इसे हमें लाइनिंग फैब्रिक पर फेस्ट करना है, और
मेन पार्ट को राइट साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच लगानी है। नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, पूरे ही नेक पर कट लगाना है। एक स्टिच में लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से कर लेनी है। और अब हमें नेक को रॉन्ग साइड टर्न करना है और एक स्टिच यहाँ पर भी लगानी है 1 फुट के गैप से। साइड से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे। टक्स लगाना है तो मार्किंग को डार्क करना है और सबसे पहले हमें स्ट्रेट में स्टिच करना है, उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर से स्टिच लगानी है। दोनों ही पार्ट को इसी तरीके से स्टिच करेंगे। तो अब हमें नेक पर भी लेस लगा लेनी है, बैक नेक पर भी लेस लगाएंगे जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर लगाया है। तो लेस को स्टिच करने के बाद ही हमें आई और हुक की पट्टी को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमें बनानी है आई की पट्टी। पट्टी की विड्थ है 2.5 इंच। लाइनिंग फैब्रिक भी लिया है और ऊपर से फोल्ड भी किया है। हाफ इंच के मार्जिन से स्टिच करेंगे, स्ट्रा पट्टी कट करेंगे, रॉन्ग साइड टर्न करना है और यहाँ पर भी एक स्टिच लगा लेनी है पट्टी के ऊपर। सेंटर से पट्टी को फोल्ड करना है और स्टिच लगानी है 1 फुट के गैप से, एक स्टिच और लगाएंगे। अब हमें बनानी है हुक की पट्टी। पट्टी की विड्थ यहाँ पर है 2.5 इंच। नेक की साइड पर स्ट्रा पट्टी रखनी है फोल्ड करने के लिए। 1 फुट के गैप से स्टिच किया, फोल्ड करते हुए पट्टी को ओपन करेंगे, एक स्टिच पट्टी के ऊपर से और करनी है। पूरी पट्टी को टर्न करना है रॉन्ग साइड पर और एक स्टिच और लगानी है पट्टी के ऊपर। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रख लेना है और चेक करना है दोनों ही पार्ट बराबर होने चाहिए। वेस्ट पर पट्टी लगानी है जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर लगाई है। शोल्डर स्टिच करना है, दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए शोल्डर को स्टिच करेंगे। ओपन कर लेना है, एक स्टिच राइट साइड पर भी करनी है। शोल्डर को बराबर करेंगे और इस तरीके से सेंटर मार्किंग लेनी है, फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग लेनी है और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है बैक पार्ट को। साइड से दोनों ही पार्ट को बराबर कर लेना है। आर्म होल की साइड पर भी चेक करना है, दोनों ही पार्ट बराबर होने चाहिए। उसके बाद ही हमें स्लीव की स्टिचिंग करनी है। साइड से जो भी स्ट्रा निकल रहा है उसे निकाल देंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर मेन पार्ट पर ज्वाइंट लगाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 स्टिप कट करी है, यहाँ से कट कर लेना है, यहाँ पर हमें ज्वाइंट लगाना है। फैब्रिक की डायरेक्शन को हमें चेक कर लेना है कि साइड को होनी चाहिए, उसके बाद हमें स्टिप को स्टिच करना है हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए और स्लीव राउंड पर हमें फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी है। ओपन करेंगे और यहाँ से हमें एक स्टिच और करनी है जहाँ पर हमने ज्वाइंट लगाया है। नीचे का एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो पट्टी की साइड पर करते हुए और यहाँ से भी हमें स्टिच लगा लेनी है स्लीव राउंड पर। और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी ज्वाइंट लगाना है। देखिए ज्वाइंट लगा लिया है, इस तरीके से फोल्ड करना है, इसके ऊपर रखना है लाइनिंग वाली स्लीव को और बैक साइड से हमें कटिंग करनी है। जो स्लीव का बैक साइड है उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। दोनों ही स्लीव पर मैंने ज्वाइंट लगा लिया है, आमने सामने रखना है फ्रंट कट को देखते हुए। दोनों ही फ्रंट का कट आमने सामने होना चाहिए। अब हमें लाइनिंग को मेन पार्ट पर स्टिच करना है, तो इस तरीके से रखना है लाइनिंग को, देखिए आमने सामने पलट लेना है और यहाँ पर हमें लेस के ऊपर से स्टिच लगानी है। साइड से जो ट्रायंगल लेस लगी हुई है उसके साइड से हमें स्टिच लगानी है।
इसे हमें रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है। इसे स्लीव राउंड पर एक स्टिच और लगा लेनी है। साइड से भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे। और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। दोनों ही स्लीव इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। और अब हमें स्लीव की सेंटर मार्किंग लेनी है। सेंटर पर मार्क करेंगे और ऊपर शोल्डर से हमें स्लीव को स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने स्लीव पर फ्रंट आर्म होल का कट किया था वो हमें फ्रंट साइड पर ही स्टिच करना है। शोल्डर से हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव को स्टिच करना है और इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्लीव को स्टिच कर लेना है। पार्ट को राइट साइड पर रखना है और 1 फुट का गैप लेते हुए स्टिच लगानी है। रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और 1 फुट के गैप से हमें और स्टिच करनी है और यही स्टिच हमें दूसरी साइड भी लगानी है। सेंटर से हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 36 फोर्थ पार्ट 9 इंच और वेस्ट है 32 का फोर्थ पार्ट 8 इंच में मार्क करते हुए दोनों ही मार्किंग को मिलाएंगे। स्लीव राउंड लेना है। सिक्स इंच पर और इस मार्किंग को भी हमें फिटिंग से मिलाना है और दोनों ही साइड यही फिटिंग लगानी है मार्किंग करके उसके बाद हमें स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से सभी साची ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर ली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।